3:30 p.m. Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हुआ चाहता है और इसमें ख़ास दुआएं, जहन्नुम से आज़ादी की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्ना का फ़ून तब्बल फूफा फ़ोनी, ये दुआ जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से उसकी मफ़रत मांगते हैं, उसकी रहमत मांगते हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं कि आप माफ़ करने वाले हैं और हम आपसे माफ़ी के तलबगार हैं और हमें आप माफ़ी दें। और इसी तरह से जो रमज़ान के महीने की रहमतें जो हैं उनका नज़ूल, ख़ास तौर पे जो ताक रहते हैं जो उनकी वजह से और भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि जो ताक रहते हैं इसमें आप लैलतुल कदर जो कि कुरान करीम की एक आयत, एक सूरत है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल कद्र खैरु मिन अल्फ़ शहर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकति वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बी मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हत्ता मतलअल फ़ज्र। तो अल्लाह ताला की रहमतें इसमें नाजिल होती हैं, आप ताक रातों में ज़रूर इसकी तलाश करें और हमारे साथ हमें भी दुआओं में अपनी शामिल रखें, अल्लाह ताला रमज़ान को बाबरकत करें। इसी तरह रमज़ान की 26वीं तारीख को सरे जामे मस्जिद में एक एनुअल फंड रेजिंग हो रही है, जो कि ख़ास तौर पर इसीलिए की जाती है कि मस्जिद के जो कि डे टू डे और मंथली जो अखराज आते हैं वो पूरे किए जा सकें। तो आप हजरात से, कम्युनिटी से ये इल्तिजा है कि वो पूरे तौर पर इसमें शामिल हों और दूसरों को इनक्रेज करें। और इस दफ़ा इतकाब भी घरों पे होगा और हम लोग उस दिन एक टेलीथॉन करेंगे BCMA के साथ मिलकर, आप ज़रूर इसमें हिस्सा लीजिएगा। रमज़ान की बरकतें, जैसे 27वीं रात, और ये बहुत अहम है इस पाकिस्तान का क़याम से पहले मैं बात करूँगा। सबसे ज़्यादा अहम तो कुरान पाक का नज़ूल है, नज़ूल कुरान पाक जो हुआ वो भी रमज़ान के में ही हुआ है। तो इंसानियत के लिए एक मैसेज आया, इकरा बिस्म रब्बिका अल्लज़ी खलक अल इंसान मिन अलक, तो वही नाज़िल की ज़ुबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इस तरह से कुरान की मैसेज इंसानियत तक पहुंचा, जो कि इतना अजीम मैसेज है कि इसको पहाड़ों ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर ये कुरान नाजिल हुआ, जो कि लौहे महफूज में महफूज था। अल्लाह ताला ने दुनिया और कायनात जो है हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए पैदा किया, अल्लाह ताला की रहमत के तलबगार होंगे। तो अल्लाह ताला जहन्नम के आग से हमें बचाए और सब जिन्होंने रोज़े रखे हैं और जो किसी वजह से नहीं रख सके, अल्लाह ताला रमज़ान की जो नेमतें हैं वो सबको दे। तो इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर देते चलें। सिटी ऑफ सरे ने BCMA को सरे में नमाज, मगरिब की नमाज के लिए
अजान की इजाज़त दे दी है, जो कि रमज़ान के आखिरी पाँच रातों के लिए है। पाँच मगरिब की अजानें जो हैं वो लाउड स्पीकर पर होंगी। हम इसके लिए पूरी कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी अंत कोशिशों से इस कार खैर में हिस्सा लिया, सिटी को परसू किया। और हम सिटी को, सिटी अफसर को, वैंकूवर में जितनी ऑर्गेनाइजेशन ने इस काम में हिस्सा लिया और इंडिविजुअल ने भी हिस्सा लिया, हम उन सबको मुबारकबाद देते हैं। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि हमने ये यहाँ पे सरे में अचीव किया है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के आर्ट्स, क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी के प्रोग्राम की तफसीलात मुलाहज़ा फरमाइए। तो नाज़रीन, इस काम में, इस कार्य खैर में जो स्पीयर हेड कर रहे हैं उसमें दिल अपना पाकिस्तान के साथ साथ फारूक राय साहब, बुशरा तारिक, सदफ जुल्फ़िकार, इरशाद हक और असद सैद साहब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजिंग टीम में होंगे। और इनका मकसद ये कि ये लोग जो हैं टैलेंट को, उनके रिसोर्सेज को इकट्ठा करें। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए अपने बच्चों की नॉमिनेशन के लिए तो प्लीज़ दिए हुए नंबरों पर आप ज़रूर कॉल करें। और हम ये चाहेंगे कि जब तक वालदैन की पार्टिसिपेशन इस आर्ट्स, क्राफ्ट्स और कैलीग्राफी के कॉन्टेस्ट में नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots, featuring community information and entertainment. UDC Design, UDC Design, आपको अपने घर की नक्शों के लिए वैंकूवर लोअर मेनलैंड में जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अपने नक्शे UDC Design से बनवाइए। ये आपके मकान को चार चांद लगा देंगे। नंबर है 7788588794। I can help immigration services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. Ji, welcome back Nazin. Main aapko ye batana chahunga ki agar aap islami calendar ke hisab se dekhen to kya Pakistan ka jo वाक़ है वो भी 1947 को रमज़ान ही में ज़हूर पदीर हुआ। ये अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है जो इस्लामिक सल्तनत जो है वो दुनिया के नक्शे पर ज़हूर पदीर। और जी नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज यहाँ सरे मस्जिद में 8 मई, और 8 मई को मेरी वालदा की भी बरसी है। मेरी वालदा 5 साल पहले इस जहां से रुखसत हो गई हमें रोता हुआ छोड़कर, और अल्लाह ताला सब की वालदैन को जो हयात हैं उन्हें सेहत, लंबी उम्र दे, सेहत के साथ साथ लंबी उम्र भी दे। और ये एक ऐसा दिन है जो मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ये आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सरे मस्जिद में मैं आया हूँ और दूसरी नमाज का ऑलमोस्ट टाइम था, तो यहाँ पे मेरा ख़्याल है नमाज नहीं हो रही है, इनसाइड हो रही होगी, मैं अभी अंदर जाऊँगा। लेकिन मैंने बाहर कुछ नमाज़ पढ़ ली अपनी,
सर मस्जिद में आज मेरे ख़्याल में अल्लाह करे कि ये जुमा आखिरी ऐसा जुमा हो जिसमें जो रिस्ट्रिक्शन जो हैं जो ख़त्म होने जा रही हैं अब आज के बाद, तो इंशाल्लाह रमज़ान के दूसरे तीसरे जो तीसरा और चौथा जुमा होगा तीसरा और चौथा जुमा जो होगा इंशाल्लाह उसमें ज़रूर हमें ये मौका मिलेगा कि हम सब मिलजुल कर यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकें और अपने रूटीन को वापस ला सकें। SOPs जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं आप उसके मुताबिक ही अपनी गैदरिंग को शॉर्ट रखें, मिनिमम करें, और जो BCMA आपको जो बता रही है जो SOPs उन्होंने सेट किए हैं उसी के लिहाज से आप जो है उसे इसको वो करें, ओबे करें, और अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखें, पर्सनल हाइजीन के अलावा दूसरों के हाइजीन का भी। और नाज़रीन ये बस एक ऐसा मौका है तो मैंने सोचा कि भाई आज थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो अपने प्रोग्राम की दिल अपना पाकिस्तान की सर मस्जिद से करूं। आज शाम में एक ड्राइव थ्रू इफ्तार भी है, पिछले हफ्ते भी इफ्तार था मस्जिद औलिया में, आज की इफ्तार की कवरेज भी आज आपको दिखाएंगे कि हमारी मस्जिद में मसाजिद में किस तरह लोगों से इंटरेक्ट किया जा रहा है, उनका जो रबता है मस्जिदों से वो नहीं छोड़ा जा वो ना ही छोड़ना है इंशाल्लाह, और लेकिन ये कि उस रबते को जो कमी हो गई है उसे एक और कम से कम और यानी रबते में बढ़ावा हो और जो आइसोलेशन की कंडीशन है वो कम से कम हो जाए। तो इसी के साथ देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी वेलकम बैक नाज़रीन, आइए आज हम आपको यहाँ पे कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स की ओपिनियन भी लेंगे और ड्राइव थ्रू हो रही है, ड्राइव थ्रू में हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग ऑर्गेनाइज होके अपनी इफ्तारी लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस वैंकूवर में, एक BCMA और PCA जो कि जो यहाँ की पहली ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन, ने मिलकर ये ड्राइव थ्रू का इस्तेमाल किया है। अभी थोड़ी देर में 7 से 8 बजे के करीब होगा ड्राइव थ्रू, हम आपको उसकी भी झलकियाँ दिखाएंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, सर जामे मस्जिद में यहाँ पे ड्राइव थ्रू इफ्तार का इंतज़ाम हुआ है और लोग अपनी गाड़ियों पे आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ वॉलेंटियर खड़े हैं, PCA के सदर, PCA के वाइस सदर, PCA के ट्रेजर और BCMA के सदर, BCMA के सदर भी खड़े हैं। मेरे पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं। आसिफ भाई, आसिफ भाई थोड़ा बताइएगा ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से आप लोगों ने इसका इंतजाम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। इंतखाब भाई, दिस माय प्लेयर, बीन वर्किंग विद BCMA फॉर द लास्ट 3.5 ईयर एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑलवेज कम विद द न्यू आइडियाज इन अंडर दिस लॉकडाउन सिचुएशंस। व्हाट वी आर रियली डूइंग एंड वी आर ट्राइंग टू रीच द कम्युनिटी अंडर द डिफरेंट प्रोग्राम्स अल्हम्दुलिल्लाह। As long as the religious need and the spiritual need of the community, the programs are going in the masjid. For example, our madrasa through the online, our everyday program is online. And on the other hand, some of the needy people, alhamdulillah, we have a very vibrant community throughout the year and throughout the ages. Essentially, I have seen they are always eager to help the people who are less fortunate. And alhamdulillah, being lockdown situation, what we do since the very first day, every Friday we are distributing the food to the needy people, and alhamdulillah 100-150 families every Friday. And may Allah reward brother Shaukat and brother Malik and brother Bakar. So inshallah they have already idea, they were distributing the food, so we make this time a collaboration, a joint venture, and this is the outcome. And आप बताएंगे कि आपका आइडिया और आपकी पार्टिसिपेशन। देखिए, इट्स वेरी गुड, थैंक यू टू
Chairman Saab who has given us this opportunity, and I'll pass it on to Malik Irfan Saab to explain it more to you. Ji, Malik Saab, zara aap loudly zara bataein community ko. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ji, jaise main dekh raha hoon ki sirf ye ek community nahi balki puri duniya pe ye kaam ho raha hai, aur isme log apna apna hissa daal rahe hain neki ke kaamon mein. To hum logon mein aap hamare jo Asad bhai hain, ये तो माशाल्लाह सब कम्युनिटी देख रही है कि डे वन से ही कर रहे हैं. मास्टर के जो प्रोग्राम ऑनलाइन होते हैं, इमाम आते हैं, कोई किसी आदमी को कोई मसला मसाइल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उसके लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम मस्जिद में चला रहे हैं, जामिया मस्जिद में. और इसके साथ ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये माशाल्लाह मैं फिर ये कहूँगा कि सबकी कोशिश है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा हमारे शौकत खान साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, अनिल एसोसिएशन के, ये इस चीज़ को लेकर आए कि किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए. हर फ्राइडे वाले दिन पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन की तरफ से हम हर जगह में फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें. इसका मकसद ये जितना भी कोई कर सकता है, इवन जो कि अपने घर से अगर बेसमेंट में भी किसी की हेल्प कर सकता है तो करनी चाहिए बिल्कुल. तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने भी अपना कीमती टाइम निकाला और यहाँ आए और ये सारे प्रोग्राम को पास. शुक्रिया बहुत बहुत विकास भाई. आप आइएगा, आप भी अपने वॉलंटियर वर्क में आप हमेशा सामने होते हैं, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आप भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप ज़रा बताएं कम्युनिटी को कि भाई इसमें कैसे पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर शौकत, मिस्टर मलिक साहब एंड गोंडल साहब एंड यू मिस्टर डाफी दिल अपना पाकिस्तान, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. द थिंग इज वी आर ट्राई, सारा कुछ तो एक्सप्लेन कर दिया है मेरे सारे कोलीग्स ने, और इसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एवरीवन शुड कम आउट एट देयर ओन लेवल एंड डू व्हाट एवर दे कैन विद सम न्यू आइडियाज एंड विद कोलैबोरेटेड एफर्ट वी कैन मेक मेक द थिंग्स मच ईजियर. नाज़रीन, ये सर मस्जिद में ड्राइव थ्रू स्टार ड्राइव में इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान के साथ आपको और भी इसकी छोटी मोटी झलकियाँ दिखाएंगे, और कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, वॉलेंटियर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो वाकई कमेंडेबल है, और इसमें अपना टाइम निकालना और फिर एक्चुअली इफ्तार प्रिपेयर करना, यहाँ तो अभी हमें प्रिपेयर नज़र आ रहे हैं लेकिन ये सुबह से काम हो रहा होगा, और ये लंच इफ्तार जो तैयार किया है तो माशाल्लाह अच्छे एफर्ट है. तो मैं तो चाह रहा हूँ कि यहाँ पे गोंदल साहब से आप ये कहूँगा कि गोंदल साहब, टोरंटो में अजानें हुई हैं और इट्स बीन अ पैटर्न नाउ, मगरिब की अजान ओपनली वहाँ पे मसाजिद में हो रही है. तो अच्छा, मैं कहा भाई सबसे पहले तो इधर आ जाइए, यहाँ पे अजान तो मेरा दिल भी करता, मैं अभी अजान देने को तैयार हूँ लेकिन अभी रोज़ा खुला, अभी रोज़ा खुला नहीं है. तो इंशाल्लाह ताला ये इस चीज़ का मकसद, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये कोई नुमाइश है, ये कोई शो ऑफ है. अल्लाह ताला ने अपने कुरान में कहा है कि आप ऐलान के साथ या सिरन या ऐलान, ऐलान हमारा ये है, इससे तरगीब है उन लोगों के लिए. ये आज इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि अभी खड़े खड़े एक और भाई कल का फूड जो है ड्राइव थ्रू बुक करते हैं. माशाल्लाह, तो ये पहले दिन जो हमने शुरू किया था इसका मकसद यही था, और उसमें हम अपने तौर पर इंतहाई कामयाब है कि ये पूरा महीना इसी तरह ही बरकतों का था, सखावत का था, देने का था. अल्लाह ताला अपना रिज़्क हर आदमी के लिए वसी करता है, तो उसी की रोशनी में अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है, अल्लाह चला रहे हैं, इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे रमज़ान के आखिर. माशाल्लाह जी, एक और भाई अपना इंतखाब भाई ने एक अजान का जिक्र किया कि जी अजान क्यों नहीं दी जा रही. तो मैं इस दिल अपना पाकिस्तान के तवसत से अपनी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह BCMA ने और हमारे साथ कुछ एसोसिएट ने, जैसे शौकत खान साहब हैं, हमने इस इशू को प्रॉपरली वक्त के साथ लीड ली और हमने सिटी के साथ इन राइटिंग कॉन्टेक्ट किया. आज से डेढ़ हफ्ता पहले हमने एक ईमेल करी, उसका फिर चार दिन के बाद एक ईमेल मैंने खुद की, ये सारी इनिशिएट ईमेल मैंने की, और उसके बाद मेयर साहब के साथ शौकत भाई ने हमारी जूम मीटिंग अरेंज की, जिसमें हम ये फील करते हैं कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत केस था. हमने कोई वीक और कोई ऐसी चीज़ नहीं मांगी थी जेर से कि जो कि कोई
खुदा ना खास्ता मुमकिन नहीं था। हम कोई ऐसा कोई नया प्रेसिडेंट सेट नहीं किया था, कोई हिस्ट्री बनाने भी नहीं जा रहे थे। हमने मस्जिद से 3 मिनट के लिए अजान मांगी थी, लेकिन हमारा केस जो है ना तो वो प्रॉपर तौर पर लिया गया ना सुना गया। मेयर साहब ने हमें 1 दिन की इजाज़त दी और उन्हें कहा आप इसको सेलिब्रेट करें। उसके जवाब में मैंने उनको कल ईमेल किया है कि ये अजान देना हमारा सेलिब्रेशन नहीं है, ये कॉल है। और हमने अभी आज तक इस बहुत सारे लोग बहुत अरसे से रहते हैं तो ये कभी मसला हुआ भी नहीं। ये इस पेंडेमिक सिचुएशन में COVID-19 में जब लोगों की अटैचमेंट है, हम स्पिरिचुअल रमज़ान में लोग घरों में बैठे हुए हैं तो हम एक चीज़ उनको स्पिरिचुअल गिना देना चाहते थे कि लोग अपने कानों से अजान सुने। लेकिन हमने अभी गिव अप नहीं किया, हम मेयर की तरफ मुतवज्जो हैं। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ कीजिए, लेकिन हमारा मौकफ यही है कि हमें ये इजाज़त मिलनी चाहिए थी क्योंकि हम वाहिद ऐसा नहीं है कि जो नाइज और ये बायलाज को इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिटी में। नजरीन ने ये एनुअल रिटर्न ऑफ द वुड पैकर एट माय होम, इट ऑलवेज कम्स एंड सिट्स हियर एंड मेक अ बिग नॉइस। या दैट्स समथिंग। नजरीन दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज बाउंड्री पार्क में यहाँ पे यू आर लुकिंग एट द ऑन द लेक दिस गाय इज हैरी द हिरन द ब्लू हिरन इज हियर फॉर अ डिनर एंड आई वाज टॉकिंग टू द विजिटर हियर हु आर लिविंग इन सरे फॉर द पास्ट 30 इयर्स। लेट्स टॉक टू देम एंड आस्क देम अबाउट दिस लेक, what this lake is all about and what kind of fishes we have here. Okay, gentlemen, here we go. And you want to tell me, I'll take both of you a picture, then you talk, you can talk, yeah. Yeah, you can talk, yeah. Okay. Yeah. Yes, we've lived in Boundary Park. Oh, yeah, for 30 years. Oh, very good. And before that, we were in Richmond and Tuasson. Oh, Tuasson. So okay. We came to Vancouver in 1972. My goodness. And we have traveled the world. We've been everywhere and had a wonderful life. But now we're home, retired, and I've been retired for 26 years. Oh, that's and awesome. And glad to have this lovely park. Very good. So you tell me about a few things about these fishes, what kind of fishes we have here. Okay, they have quite a number of large 18 to 24 inch carp, okay, which are dark gray. Okay. And there is one carp, which is a Japanese koi, which is orange with white markings. Okay, so the Japanese koi is brought here? We don't know. We have been watching it for 5 years. Okay, okay. But we don't know how it got here. How we got it here. Like we have a Japanese, the cherry blossom we have in Richmond. Right. We have a cherry blossom. It's a Japanese tree. Yeah. Yeah, yeah. Yes. It's a Japanese kind of cherry, but we have that. Right. Yeah, yeah. Certainly. Yeah, so I like the flowers and all that. This is nice to get some information. Okay. And tell me about this Harry the Heron. You're talking about this guy. Oh, we have just given our favorite animals okay. that we've known for a few years. Okay. That come to visit the lake on occasion. They don't live here. Some live in Burns Bog. We watch. There is a hawk. A hawk there. Okay. Comes for dinner. Okay. And the heron comes for lunch and dinner. Oh yeah. The and we have the odd time Canada geese, but mainly we have the mallard ducks. Mallard duck. Yeah, mallard I know. Ducks yeah. And their mates. Okay. And okay. We've been watching for the ducklings to arrive. Okay. We've only seen one family of 5. Okay. Unfortunately, they're down to 2 at the moment after a couple of weeks. Oh, I see. So you are big bird watchers too. That's very good. Yes. Yeah. At the moment, there are only the mallard ducks, but later on in the season, there's wood ducks and I do not know the name of all the other that's types very of good. Ducks, but there are several other ducks that show up during the fall in the winter. Yeah, they stay all year here.
It's all year very good. I like to do the, we call it videography for my show, meeting different people and talking about the nature and talking about this situation what we have here. So hopefully the things will improve here and throughout Canada and the world, and we'll again meet and greet the people and talk. Thank you very much. I will show again if the Harry the Heron is still there. Yeah, okay. No, Harry the Heron has gone. Has gone. See, Harry the Heron is but gone. But if you walk around the other side of the lake, you might see Kevin the Koi. Oh, Kevin the Koi. I will go and have a, I will just step down there on the beach and see. Thank you very much. You want to say something? Oh, no. Oh, thank you. Thank you very much. Thank you. You guys are so nice. Thanks a lot. Help Immigration Services is reliable and leading immigration service provider in Surrey, BC. We are a member in good standing with the ICCRC. Please send us your resume at sayed.khan@icanhelpimmigration.com or call us at 778-239-7861. Our website is www.icanhelpimmigration.com. UDC Design. UDC Design. आपको अपने घर की नक्शों के लिए वैंकूवर लोअर मेनलैंड में जहाँ भी आपको ज़रूरत हो आप अपने नक्शे UDC Design से बनवाइए. ये आपके मकान को चार चांद लगा देंगे. फोन नंबर है 778-858-8794. Sundays at 3:30 p.m. Dil Apna Pakistan presents a cultural magazine show for Canadians with Pakistani roots. चल रहा है तो देखते रहिए रणथुवर की जान दिल अपना पाकिस्तान.